आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। इसके लिए सामग्री चाहिए, एक बड़ा साइज का बैंगन, दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, अदरक एक चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन एक चम्मच, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता 2 से 3 चम्मच, एक प्याज बारीक कटा हुआ, रिफाइंड तेल 1 बड़ा चम्मच, साबुत जीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। बनाने की विधि, पहले गैस स्टोव ऑन कीजिए, उसके ऊपर जलाने वाला नेट रखिए, फिर उसके ऊपर बैंगन को बीच में से कट करके रख दीजिए। उसके बाद बैंगन के ऊपर तेल डाल के उसके ऊपरी हिस्से को अच्छे तरह से पॉलिश कर दीजिए। फिर बैंगन को स्टोव के ऊपर रखिए जलाने के लिए, उसको स्टोव के ऊपर रखिए कि अच्छे तरह से एक साइड जल जाएगा। जब एक साइड अच्छी तरह से जल जाए तो आप उसको दूसरे साइड को टर्न कर लीजिए। फिर स्टोव के ऊपर तब तक रखिए जब तक दोनों साइड अच्छी तरह से स्मोक हो जाए। दोनों साइड अच्छी तरह से स्मोक हो जाए तो आप उसको स्टोव से निकाल लीजिए। फिर आप बैंगन का जो ऊपरी परत है जला हुआ, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल लीजिए। फिर आप उसको एक बाउल में रख के मैश कर दीजिए। फिर आप दोबारा स्टोव ऑन कीजिए, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखिए, फिर उसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइन का तेल डालिए। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए आप उसमें साबुत जीरा 1 चम्मच डालिए, फिर बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, फिर बारीक कटा हुआ लहसुन 1 चम्मच डालिए, बारीक कटा हुआ अदरक 1 चम्मच डालिए, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डालिए, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल दीजिए, फिर सभी को अच्छी तरह से मिला के फ्राई करते रहिए। फिर उसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दीजिए और जो हमने बैंगन को मैश करके रखे थे उसको मसाला में डाल दीजिए।
और सभी को अच्छी तरह से मिला के पकाते रहिए। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और सभी को अच्छे तरह से मिला लीजिए और धीमी आंच में पकाते रहिए। अब हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। आप इसे किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं।